कली घर धर है। तो मान सिंह जी ने पूछो इनके क्या कलिए कब कब के निकले हैं गांव। साहब हम तो अब कोई ने गैप लग जाए तो अभी गांव को जाएंगे जाके भागेंगे। मैं प्रधान जी से निवेदन कर रहा हूँ कि त्यारे तो मान सिंह के वारंट कटवा दो डीग तहसील में और मैं भिक्कन के कटवा दूंगा और नंदमई में अमानत कह दीजो नोठा के गोविंद सिंह के बारे में। देखो देखो सुनो शिक्षा सही बात कमाई के बारे में बात करो और ये काय की बात करें तुम प्रधान जी ने पूछो काय की बात करें। न्यू कह रहे हो एक जना हमारे ये जमादार जी न्यू कह रहे मान सिंह जी बच्ची को रिश्तो करूँ मेरी बच्ची ना इतनी बी ए पढ़ रही है कोई एम ए पढ़े बच्चा हुए। मान सिंह जी कह रहे मैं बी एम ए ना जान वो बता वहाँ की छोरी 14 में पढ़ रही है 16 पढ़े छोरा चाहिए। जब जमादार जी इतने कह रहे वहाँ की 16 पढ़ाना मिले 8-8 पढ़े तो ढूंढ ले। नहीं करते जी आप डाड़े हो भाई तो आरसी बार इनको तो फिर ठाड़ो तो होने पर आप सामने कह रहा हूँ सरदारो परम सम्मानीय वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों ही पक्षों की सरदारी इस मांगलिक सूत्र बंधन के शुभ अवसर पर एकत्रित हुई और मैं परमात्मा से आराधना करता हूँ सभी समाज की तरफ से एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि लड़का और लड़की दोनों की लंबी आयु हो और इनका जीवन एक कमल के फूल की तरह खिलता रहे। सरदारों अभी ने एक पहले कह रहे मान सिंह जी कि तम पे ते डाबक लेगी मान सिंह के खुट्टा तो यहाँ तो चल रहे हो खुट्टा तो जड़ तो चली है साहब यहीं चल रहे मेरी साहब जी तो वहाँ तो थोड़ा सा प्रोग्राम पहले चल रहा हो बाकी वो वहाँ पर हम तो पूछ रहे वहाँ नो तो वहाँ को होगा लेकिन नो तो बेला कौन जाए साहब हमने बोल रहे हैं साहब पे चाय करी और बात यहाँ है कि त्यारित कर बराता ये कोई बात ना मान सिंह कोई भाई अरे वहाँ कैसे चले वो अपने छोड़ के। अब ये आरसी वाले जो बार 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 जो आप से कह रहे हैं है कि डाबक कैस लेगी डाबक कैस लेगी भैया ये अखबार सोच और देखो हमारी एक समाज की संस्कृति और एक परंपरा है इतने समाज की हंसा बोली ना हेले इतने मन ना लगे। वैसे हमारे भाई साहब ने आशीर्वाद के रूप में सारी बात बताई सरदारी के सामने और ये बहुत ही खुशी का टाइम है जिस बेला में आप सब सरदारी बैठी हुई है। ऐसे समय पे कितने सरदारों के दर्शन होते हैं गंगा में स्नान करने का और समाज के दर्शन करने का एक ही महत्व होता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि दरस परस मुख मंजन पाना और कटई पाप कह वेद पुराना। सरदारो जो चाल आरसी बारिन ने पकड़ रखी है वह लेन पे तो मैं तो कर रो ही पहुंचूंगा ही भिक्कल के नीचे अगर निकले हो जवान। सरदारो एक आरसी को चुरावेल में भी आयो मावत को दिनाओ और दूध की कमी आ रही बालिकन ते बोले वो लाला में त्यार मामान के होया हूँ बोल होया तो आप ये डायर के कंधार पर नजीक चुरावेली जट पहुँच गो। बालिक खेल रहे बालिकन ने घर जाके कही
फुलजी जी फूफा आयो है, तो बोल भैया ले आवा है रोटी खा ले गो, एक ही भैंस के दूध की खीर ही बांसनन में सिरा राखी, फूफा ऐसो शर्म को निकलो सब बांसनन चाट के खा गए। भैया की आत्मा बच्चान में बहुत रह जटू बुर्रावे लगी, इतने ही वो आगो चुरा बिलको वाको सारो ना कह रहे, बोल राण काय को बुर्रा रही है, बोलिया बहन को आरसी पाई दुनिया मर गई तू कहीं कोयाम ना डायर हो जाए, बोल राण मैंने ये कोयाम है डायर के देख लियो मेरे वाव में ना हो फिर के देखो जब बाल बैंडर ने खोल तो बाल भैया बाल बैंड खोल भैया यार थोड़ा या मैं उतार किसी और डायर दे दे जा तो ठाड़ो है ना वोल्टेज कम है कि हमारे भीम जी बैठे हैं। वैसे बड़े सौभाग्य की बात है आज यह रास्ता में मैंने झिक्के नाज या ब्याह में खाए हुए और ये रास्ता का नाज खान था या रास्ता में आदमी माते चले भीम भगत के ढंग पहुंचे और भीम भगत के 3 घंटा पीछे दबाई थे 3 घंटा पहले नाज मत खाइए 6 घंटा तक कहीं बहन चलता तो आज तो बड़े सौभाग्य की बात है मुझे मिलियो ना हो मैं इनकी भीम भगत से इजाजत ले जाते आज तो मैं इनकी बफर में मैं चेक तो और दुनिया बैठी और तो कह दे हम तो मन ना कर रोज काउ दे कट कहे अरे रस्सी जाए वो तो देवियों देवियों से लगे कोई कार्ड ना 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 सुने जब तू छत्ते ने भूल गए वो तो मैं फूफाई करा आर्जन जगन को पहुंचते ना लगे आज फिल्मिंग चालू कर दी ने तो आज नई पदवी ली ली क्या घर गांव में तो भैया तो ही मारो लगावे को कहीं कन्यादान करेगो क्या घर गांव में तो उखिर तो हम तो 10 साल पहले उखिर गए आज के मारो ये तो 12 मास बोला है कन्यादान यान कहाँ करो यहाँ देखो तुम कहाँ कहाँ का वो ही कन्यादान करेगा भेजो मैं थाल ले भी आया हूँ बाबरी गायन भी आया हूँ कन्यादान करेगा तो मैं ना नजिया करूंगे मैं तो आज थरा ले भी आया हूँ अब यहाँ तो तुम थरा ले भी आए हो और खतरा एम को तेरे फूफी नाती को भी आओ वहाँ गए हो तुम तो तुम आया भरतपुर जिले में भरतपुर जिले में जितने ब्याह हो जहाँ में जाए वहाँ का रजिस्ट्रेशन है तेरो फिर तू देख बेगो बहन चुदा सुनो सरदारो पानी बस्ती अच्छी है जो यहाँ के मोह देख रहे हो और ये पानी में हो जब वो पड़े फसो पैर उतर जाता तो वो ना पड़ते तैयार अरे कैसे जीव निट जा रही है तेरे तो भाग सूदे हैं आज ब्याह में देख रही हो नहीं तुम तो जेल में देख रहे हो सरदारो आ गया ये अब सही है सरदारो हम तो आप जेल में जाए पहले तो तुम नहीं जेल देखी क्या छुट्टन ने पानी भरे हो जेल में जब पानी भरे हो करे जेलर पानी भरवाओ जेल इन पे रामचंद्र ने भरे हो
सरदार सुनो फोन रहो अधिकारी रहो क्यों अधिकारी हमारे कब देना है हमारे अधिकारी हाँ बताओ कब देना है तब तो क्या जीजिया चल दो एक रघुवीर सिंह ने एक गोवर्धन में वो बनवाई धर्मशाला वो बेच खा गए और न्यो कह रहे मैं थोड़ा ले भी आया हूँ सरदारों वैसे समय को अभाव है सरपंच साहब और अब आरसी बाजी सरदारी ने भिड़की है कोई जोगी हो और जोगी के घर में नादानी देख के वहां की घरवारी वहां छोड़ के भगी और वहां पे एक बच्चा हो वो बच्चा जोगी ने पार लियो जवान कर लियो तो दोनों बाप बेटा जोगी इनकी मांगनी खानी जायत है दोनों मांग में गए तो पहली कहावत है पहले चाखी पे बड़ी बूढ़ी चून पीसे ही तो जब वो चून लेके एक बुढ़िया आई वह जोगी को तो वहां को नेफा चाखीते आगे आगो जेट वह जोगी की नेंगा टिक गई वहां जब वो डमरू है बजारो कहते डम डम वह छोरा को नाम हो रामू बोलते डम डम दे डम डम मेरे रामू बेटा जाए दिन तेरी मैया गई आज घने दिना में दर्शन हुए दे डम डम दे छोरा ने सोची ना तो नरसी को बात नहीं भर्तरी की लीला या इतिहास कौन सा उठा जब छोरा की भी नहीं तो काका मेरो नंबर है डबरू है मोकूद है अब छोरा बोल रो है बोल दे डम डम मेरे रामू के काका यार आते तेने भिक्षा मांगी तो आज ना है तो कल पिटेगो दे डम आरसी बारे जैसे यहाँ ठट्टे कर रो यहाँ ऐसे करे तो तू अंथाऊ पिटेगा समाज की बात नहीं है साहब समय का अभाव है सभी से निवेदन है आप कार्यक्रम चालू करें टाइम कम है प्रधान जी।